हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स की सीरीज का ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी तक हम लोगों ने पहले चैप्टर के कई टॉपिक सीखे हैं, आई थिंक 5 या 6 टॉपिक सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे उसके आगे की कंटिन्यू सीरीज है ये, और इसमें हम लोग सीखेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, थ्योरी भी आपको याद नहीं करनी पड़ती है, थ्योरी भी आपको समझनी होती है। एक बार आप समझ लेंगे थ्योरी तो आप उसको प्रेजेंट कर लेंगे, प्रेजेंटेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके आगे आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स के दोस्तों दो नेचर होते हैं, एक इकोनॉमिक साइंस के रूप में ट्रीट की जाती है और एक इकोनॉमिक आर्ट के रूप में ट्रीट की जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी जगह पर आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि ये सब्जेक्ट साइंस है या आर्ट है, साइंस है तो क्यों है, आर्ट है तो क्यों है, दोनों है तो क्यों है। तो देखिए, कोई भी इस दुनिया के सब्जेक्ट, कोई भी इस दुनिया की चीज़ें साइंस और आर्ट दोनों ही होती हैं। साइंस भी होती हैं और आर्ट भी होती हैं। साइंस क्यों होती हैं और आर्ट क्यों होती हैं, मैं इसको बताना चाहता हूँ। पहले आप साइंस की डिफिनेशन मुझे बताइए कि साइंस किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे साइंस किसे कहते हैं। आप लोगों की डिफिनेशन मैं देखना चाहता हूँ कि साइंस किसे कहते हैं। हाँ जी, देखिए साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मीनिंग होता है किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित। क्या? किसी भी विषय अथवा वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया ही विज्ञान है। ठीक है, यानी कि एनी सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट और एनी सब्जेक्ट, है ना, द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग और एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज़ का, जब किसी भी वस्तु का हम सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइंस। लेकिन आर्ट क्या होता है? आर्ट मीन्स होता है प्रेजेंटेशन। जब आप उस चीज़ का नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं तो अब बारी आती है प्रेजेंट करने की। तो जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो दैट विल बिकम आर्ट। तो अभी जैसे आप इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स इज साइंस फॉर यू, बट मैं सिखा रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स इज आर्ट फॉर मी। सो इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एंड साइंस बोथ। तो आइए देखते हैं और भी चीज़ें, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, कैसे इकोनॉमिक्स को साइंस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो एक सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड साइंस, एक सब्जेक्ट को साइंस माना जाता है कब? इफ, यदि इट इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यदि इसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो और इट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट, इसके अंदर मेजरमेंट करने की क्षमता हो, इट हैज इट्स ओन मेथोडोलॉजी, इसके पास अपनी खुद की मेथोडोलॉजी हो, और इट शुड हैव द एबिलिटी टू फॉरवर्ड, मतलब इसके अंदर फ्यूचर में, भविष्य में, भविष्य बताने की क्षमता हो। फॉरकास्ट माने पूर्वानुमान लगाना, फॉरकास्ट में क्या होता है, पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले से अनुमान लगाने की इसमें क्या हो, क्षमता हो। तो जब ये चार बातें होती हैं तो वो सब्जेक्ट साइंस ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चारों बातें हमें इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलती हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अब इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट क्या होती है? आर्ट इज नथिंग बट द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज। हमने बोला कि जब आप सीख लेते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं या समझाते हैं, कहीं पर टीचिंग करते हैं या स्किल को एलोबरेट करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आर्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग व्हाट यू लर्न, जो आप सीख चुके हैं, व्हाट यू हैव लर्न, जो आप सीख चुके हैं उसका प्रेजेंटेशन करना ही दोस्तों आर्ट है। तो आर्ट इज नथिंग बट द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, वेयर इज साइंस टीचेस अस टू नो, आर्ट टीचेस अस टू लर्न। देखिए साइंस क्या बताता है? साइंस बताता है टू नो, साइंस सिखाता है, किसी भी चीज़ के बारे में सिखाता है, टू नो जानकारी देता है, जबकि आर्ट टीचेस अस टू डू। आर्ट कहता है कि अब जानकारी मिल गई है तो अब करके दिखाओ, प्रेजेंट करो, तो दिस इज कॉल्ड आर्ट। दस इस प्रकार इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो इकोनॉमिक्स का एक नेचर है, साइंस भी है वो और आर्ट भी है। ठीक है दोस्तों, इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि साइंस है तो साइंस भी दो प्रकार की है, इकोनॉमिक्स या साइंस। हम यहाँ पे लिखेंगे अगली बात कि इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव भी है और नॉर्मेटिव साइंस भी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा
कि ये पॉजिटिव साइंस क्या होती है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस, सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे इट इज कॉल्ड प्योर साइंस या फिर रियल साइंस। क्वेश्चन कीजिए बनता है, इट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट इसमें, इसमें वैल्यू आती है और नॉर्मेटिव में है ना। इट इज आइडियल साइंस, इट इज प्रस्पेक्टिव नेचर, इट इज आइडियल साइंस, इट इज आइडियल साइंस एंड इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। पहले तो ये आप समझ लीजिए नॉर्मेटिव साइंस, इसमें लिखेंगे इट एनालाइज, इट एनालाइज कॉज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। But not pass value judgment. इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है, कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं की जाती हैं, बस रीजन बताया जाता है कि क्या है, लेकिन इसमें बताया जाता है क्या होना चाहिए, इसमें रीजन बताया जाता है क्या होना चाहिए, इसमें वैल्यू दी जाती है, इसलिए इसे नॉर्मेटिव साइंस से आइडियल साइंस कहते हैं, जबकि इसे प्योर और रियल साइंस कहते हैं। वैल्यू जजमेंट, इट डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट। नेक्स्ट बात देखेंगे इसमें इट स्टेट्स, इट स्टेट्स ये बताता है व्हाट इज, जब व्हाट इज के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव साइन, और जब इट स्टेट्स व्हाट शुड बी, जब इसका आंसर दिया जाएगा क्या होना चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव साइंस। इसकी एनालिसिस किसने की है, एनालिसिस बाय प्रोफेसर रॉबिन्स। एनालिसिस बाय प्रोफेसर मार्शल हुआ इसका आंसर, बाय एनालिसिस इज डन बाई मार्शल एंड पीको, दो लोग हैं। एनालिसिस इज डन बाई मार्शल एंड पीको, ठीक है, दो लोग हैं। नेक्स्ट है इट इज रिलेटेड टू फैक्ट ऑनली, इट इज रिलेटेड टू फैक्ट ऑनली, नॉट रिलेटेड टू वैल्यू, ये भी लिख लो यहाँ पे कि आगे नॉट रिलेटेड टू वैल्यू। इसमें आप लिखेंगे दिस इज एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, दिस इज एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इजी लैंग्वेज में नहीं समझ में आता है।
इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रब करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस का एग्जांपल देखिए, एक एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड ए लोअर प्राइस विल यील्ड मोर क्वांटिटी सोल्ड ए लोअर प्राइस विल यील्ड मोर क्वांटिटी सोल्ड। इसे हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट कहेंगे या पॉजिटिव साइंस कहेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट, या फिर इसे कहेंगे आप पॉजिटिव साइंस। ये बता रहा है कि जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, वो है क्या, व्हाट इज का आंसर दे रहा है, इसीलिए इसे पॉजिटिव साइंस कहा जाता है। हमने आपको पहले बताया कि व्हाट इज का आंसर जहाँ पे मिलेगा वो पॉजिटिव साइंस होगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, दिस टैक्स शुड बी रिड्यूस्ड, ये टैक्स क्या होना चाहिए, रिड्यूस्ड होना चाहिए। हमने कहा शुड बी का जहाँ आंसर मिलेगा वो नॉर्मेटिव साइंस होगा। तो ये बता रहा है व्हाट शुड बी, वैल्यू भी दे रहा है कि कितना परसेंट होना चाहिए, ये सब बताएगा सारी बातें। तो ये क्या जाएगा, व्हाट शुड बी नॉर्मेटिव साइंस। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इकोनॉमिक्स का नेचर और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गई है अच्छे से, तो एक टॉपिक इसी में हम लोग सीख लेते हैं, छोटा सा है, मेथड ऑफ स्टडी, कि इकोनॉमिक्स को हम लोग किस किस मेथड से पढ़ सकते हैं। मेथड ऑफ स्टडी, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के मेथड, तो देयर आर टू मेथड्स। दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के दो ही मेथड हैं, देयर आर टू मेथड्स ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के दो मेथड, पहला है डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। देखिए डिडक्टिव मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ बातें लिखेंगे। इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एनालिटिकल मेथड, और प्रायोरी मेथड। प्रायोरिटी से बना है प्रायोरी मेथड, इसको तीन मेथड के नाम से जाना जाता है, पहला एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दूसरा एनालिटिकल और तीसरा प्रायोरी मेथड। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें कैसे मैं स्टडी करते हैं, तो दिस लॉजिक इज रिलेटेड टू, दिस लॉजिक इज डिफाइंड द पैटर्न वी स्टडी, पैटर्न फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर। जब हम दोस्तों जर्नल से पर्टिकुलर कोई चीज सीखते हैं, मतलब पहले रूल फिर एग्जाम्पल, वी लिख सकते हैं, मीन्स
फर्स्ट रूल देन एग्जाम्पल, ये सरल शब्दों में मैंने लिख दिया। देन दिस मेथड इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में पहले रूल फिर एग्जाम्पल, पहले जनरल बातें होंगी फिर पर्टिकुलर तक आएंगे, मतलब फिर मेन बात पे आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे, है ना। तो जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। अगला मेथड हमारा इंडक्टिव मेथड। इन दिस मेथड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ, कंक्लूजन जो निकाले जाते हैं वो किस बेसिस पे निकाले जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट। रेलिवेंट टू द इंक्वायरी, रेलिवेंट टू द इंक्वायरी। दिस इज फ्रॉम, उल्टा चलता है ये, पार्टिकुलर टू जनरल, पार्टिकुलर टू जनरल, मतलब कई बार हम लोग पहले एग्जाम्पल देंगे फिर रूल बताएंगे, रूल बताएंगे। तो पर्टिकुलर टू जर्नल जब हम लोग टीचिंग करते हैं या स्टडी करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। और ये मेथड मार्शल ने दिया था, मार्शल। दोस्तों इतनी बात आपको नोट करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने मेथड ऑफ स्टडी और नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स सीख लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स। ये दो बातें हम लोग सीखेंगे। अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नेक्स्ट में नहीं हो पाया तो उसके बाद होगा, पहले सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अगला चैप्टर है, वो चैप्टर तो नहीं है टॉपिक है, इंट्रोडक्शन के अंदर ही टॉपिक है। और इसके बाद ये अगला टॉपिक उसमें आएगा कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी सीखने के बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होते हैं, और ये हो इसके बाद हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो पाएगा। यानी कि 10 से 12, 10 11 वीडियो होंगे टोटल, तब आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद आप जब आगे इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इससे आप लोग मेंटेन करिए। अब हम बहुत जल्द अकाउंट्स के वीडियोस भी लाने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। अकाउंट्स के वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। देखिए प्ले लिस्ट मैंने बना दी है हर सब्जेक्ट की, आप पहले हमारे चैनल पर आइए, प्ले लिस्ट खोलिए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद सबसे जो भी आपको सब्जेक्ट देखना है उस सब्जेक्ट के अंदर चले जाइए, और सिस्टमेटिक वे से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसके अंदर वीडियो बिल्कुल चैप्टर वाइज पड़े हुए, आराम से आप जाइए और देखिए और नोट्स बनाइए अपने। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। जय हिंद, जय भारत।